हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो में एफएससी पार्ट वन फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के आठवें चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। इस चैप्टर का टाइटल है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। इंडक्शन का वर्ड इससे पहले आप चैप्टर वन में सुन चुके हैं। इंडक्शन का मतलब है अपने पैटर्न को देख के कोई जनरल स्टेटमेंट देनी है, पैटर्न को देख के। अब आप एक स्टेटमेंट देते हैं लेकिन आपको नहीं मालूम कि मुमकिन है कि बाद में वो किसी स्टेज पे गलत हो जाए, कोई उसकी कोई ऐसी सूरत हाल निकल आए कि आपकी जो दी हुई स्टेटमेंट है वो गलत हो जाए। तो इस तरह की वो जो खास एग्जांपल हो जो आपकी गिवन स्टेटमेंट को गलत साबित कर दे, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं काउंटर एग्जाम्पल। और हम इसको कहते हैं वन एक्सेप्शन, इवन वन एक्सेप्शन आर केस to a mathematical formula is enough to prove it to be false. तो जो आपने कहा, जो आपने स्टेटमेंट दी, अगर उसके अगेंस्ट एक भी वैलिड एग्जाम्पल मिल गई तो हमने कह देना है कि आपकी दी हुई स्टेटमेंट ठीक नहीं, और इसको काउंटर एग्जाम्पल कहते हैं। अब जब आप नेचुरल नंबर्स के साथ हैंडल कर ले, पिछले चैप्टर्स में आप सीक्वेंसेस सीरीज देख चुके होंगे, आप एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं जिनमें नेचुरल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको पैटर्न नजर आना शुरू हो जाता है। जब आपको पैटर्न नजर आना शुरू हो जाता है, आप जनरल स्टेटमेंट देते हैं, तो अब ये स्टेटमेंट देना काफी नहीं है, इसको साबित करने के लिए एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और इस ये प्रिंसिपल काम कैसे करता है, आपने जो भी स्टेटमेंट दी जिसमें नेचुरल नंबर्स इन्वॉल्व हों, आपने सबसे पहला काम यह करना है कि क्या आपकी जो स्टेटमेंट है वो एन की वैल्यू वन के लिए ट्रू है। अगर आपकी स्टेटमेंट n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है तो आपने फर्ज ये कर लेना है कि आप n की जगह पे k रख लें। अगर वो स्टेटमेंट n की जगह पे k रखने से ट्रू है तो वहां से अपने एक दर्ज एक स्टेप आगे चलना है, और आपको ये कंक्लूड करना है कि जो आपकी स्टेटमेंट है k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी। अगर आप ये साबित कर दें तो आपने जो भी स्टेटमेंट दी जो नेचुरल नंबर्स को इन्वॉल्व कर रही थी वो हम कहेंगे जी दैट इज अ वैलिड स्टेटमेंट, और आपका यहां से आपने उसको प्रूफ कर दिया। जो इसी चैप्टर में जो अगला एक और टॉपिक है वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोम बोलते हैं जी जब दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही, अब a प्लस x स्क्वायर यू आर फेमिलियर विद इट। अब आपने क्या करना है, आपने अब दो की जगह पे अगर पावर तीन हो जाए, चार हो जाए या एन हो जाए तो क्या किस किस्म का एक्सप्रेशन सामने आता है। उस एक्सप्रेशन में ये आप देख रहे हैं ये कॉम्बिनेशन की टर्म आपको नजर आ रही है, एन से जीरो नजर आ रहा है कॉम्बिनेशन। ओके, अब ये फिर वही वाला सिंबल नजर आ रहा है, एन कॉम्बिनेशन वन, एन कॉम्बिनेशन एन। तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको इस चैप्टर में आप समझेंगे। मजीद आप क्या करेंगे कि जब एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो के अलावा कुछ हो, नेगेटिव इंटीजर हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए, तो यही वाला जो एक्सप्रेशन है ये किस तरह से बिहेव करता है। फिर आप इसी चैप्टर में इनफिनिट सीरीज की समेशन को समझने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए भी आपको इसी एक्सप्रेशन को यूज करना है। तो जो हम पीछे जितनी चीजें पढ़ चुके हुए हैं उनको हम यूज करते चले जाएंगे, और इस चैप्टर के एडवांटेजेस पे नजर रखेंगे कि हम इसमें से क्या नई चीजें सीख सकते हैं। अपनी अब जो बाकी का जो आपका कोर्स है उसमें आपको ज्योमेट्री और रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही।